हेलो व्यूअर्स, मानप्रीत वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट कद्दू का हलवा। सबसे पहले हमने 1 किलो कद्दू लिया है, उसको पीसीज में काट दिया है। 1 कटोरी घी, गार्निश करने के लिए बादाम, किशमिश ली है, 1 कटोरी खोआ और स्वाद के अनुसार चीनी हमने ली है। अब हमने कद्दू को कुकर में 1 विसल के साथ पका लिया है। अब आप देखेंगे कि हमारा कद्दू अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए, कद्दू पूरी तरह से पक चुका है। अब इसको मैशर के साथ अच्छी तरह से मैश करेंगे। हमने कद्दू को अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब कद्दू बनने के लिए रेडी है। अब गैस के ऊपर हम पैन को चढ़ाएंगे। अब हमने पैन में कद्दू को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जब तक इसका पानी नहीं सूख जाता, तब तक इसको मीडियम आंच पर हम पकाते रहेंगे। अच्छी तरह से मैश करते हुए पकाते जाएंगे। अब आप देखेंगे कि पानी इसका कद्दू का अच्छी तरह से सूख गया है। अब हम इसमें 5 से 6 चम्मच घी के ऐड करेंगे। पाँच से छः चम्मच घी के हमने ऐड कर दिए। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब घी कद्दू के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें ताज़े दूध की मलाई ऐड करेंगे। इसके साथ कद्दू का टेक्सचर बहुत क्रीमी और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अब मलाई को भी कद्दू के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आंच मीडियम ही रखनी है आपने। ये देखिए, मलाई बिल्कुल मिक्स हो गई है। अब हम चीनी ऐड कर रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना मीठा चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी पानी छोड़ती है, इसका पानी सूखने तक हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। अब इसमें खोआ ऐड करेंगे। साथ ही में हम ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हलवे ने अच्छी तरह से घी छोड़ दिया है और देखिए, कद्दू का हलवा बनकर तैयार है। आप भी खाएं, अपनी फैमिली को भी बनाकर खिलाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। न्यू व्यूअर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।